हे गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल योगा दिवस के बारे में। 21 जून को हर एक वर्ष योगा दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या होगी, क्यों मनाया जाता है, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं जो आपको जानने जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो योगा शब्द है ये आया कहाँ से। बेसिकली जो योगा शब्द है ये संस्कृत का एक मीनिंग है जिसका नाम है यज, यहाँ से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है दोस्तों टू ज्वाइन, टू यूनाइट। ओके, किसी को जोड़ना, किसी को संगठित करना। तो बेसिकली योगा शब्द जो है ये संस्कृत से डिराइव्ड हुआ है, युज से, जिसका मीनिंग होता है ज्वाइन करना, यूनाइट करना। ओके, थोड़ा सा हम और जानते हैं कि 2018 में जो योगा दिवस मनाया जा रहा है, इस इवेंट की समरी के बारे में। ये दोस्तों चौथे नंबर का इंटरनेशनल योगा डे है, फोर्थ इंटरनेशनल योगा दिवस है और मेन इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज हो रही है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून, उत्तराखंड में। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कम से कम हजारों लोगों की तादाद में उनके साथ में यहाँ पर योग परफॉर्म कर रहे हैं। ये वेन्यू है, ऑफिशियल वेन्यू है जो कि मेन इवेंट के लिए रखा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि योगा डे की मेन जो इवेंट है वो कहाँ पर है। ओके, और इस वर्ष की थीम क्या है, ये है योगा फॉर हार्मनी एंड पीस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2018 की थीम क्या है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाएगा। थोड़ा सा और हिस्ट्री जानते हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। बेसिकली 21 जून से ये मनाना स्टार्ट हुआ, 21 जून 2015 को ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसको पास किया गया था और इसको भारत की विरासत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है लगभग 5000 साल पुरानी जो है योग एक जीवन शैली है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच थी यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 27 सितंबर 2014 को मोदी जी ने अपनी स्पीच दी थी, उसमें इस चीज़ को इस रखा गया था, जिसके बाद से यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हर एक वर्ष 21 जून को ये मनाया जाएगा। तो पहली बार ये 2015 में मनाया गया था। थोड़ा सा इनका जो मैसेज है वो देख लेते हैं। इन्होंने कहा था, योगा इज इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडियाज एंशिएंट ट्रेडिशन, जो भारत की प्राचीन जो परंपरा है उसका ही एक ये इनवैल्यूएबल गिफ्ट है। तो ऐसा इन्होंने कहा था, जिसके बाद से दोस्तों ये फोर्स में आया और 2015 से इसको मनाया जाना स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं कि 21 जून को ही क्यों सेलेक्ट किया जाता है योगा दिवस मनाया जाना। तो देखो, 21 जून को क्या होता है कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है इस दिन लॉन्गेस्ट डे होता है, तो इस वजह से 21 जून जो है सेलेक्ट किया गया। ओके, और बहुत सारे जो भारत के पार्ट हैं या फिर और भी हैं, तो यहाँ पर दुनिया के और सारे भागों में इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस भी है, तो इस वजह से 21 जून को इस दिवस को योगा डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा हम और जान लेते हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई थी। ऐसा हुआ था कि एक इवेंट हुआ था राजपथ पर, तो इसमें दो चीज़ें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुई थी। जो फर्स्ट टाइम योगा डे मनाया गया था 21 जून 2015 को, तो उस दिन क्या था कि लार्जेस्ट योगा क्लास थी जिसमें 35,985 लोग एक साथ शामिल हुए थे राजपथ पर, तो ये अपने आप में एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड था। और 84 पार्टिसिपेशन जो देश थे इन्होंने अपना अपना पार्टिसिपेशन दिया था, तो इस वजह से दो चीज़ें जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसमें ये चीज़ें शामिल हुई थी। ओके, तो ये भी हिस्ट्री और ट्रिविया के दायरे से आपको जानना जरूरी हो जाता है। थोड़ा सा हम जानते हैं कि पीएम योगा अवार्ड्स क्या होते हैं। हर एक वर्ष दो अवार्ड्स, दो कैटेगरीज में पीएम योगा अवार्ड दिए जाते हैं। इस वर्ष 2018 का जो अवार्ड है ये बहुत जल्द नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपडेट कर दिया जाएगा। जिस समय ये वीडियो बनाया जा रहा है इस समय तक ये अवार्ड डिक्लेयर नहीं हुआ है। हम ये जानते हैं कि जो ये अवार्ड दिया जाता है ये क्यों दिया जाता है। ऐसा है कि जो योगा है, कोई भी एक इंडिविजुअल ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका कंट्रीब्यूशन है योगा को स्प्रेड करने में, ताकि उसका जो मेन गोल है वो अचीव हो सके, लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं इस मामले में, तो इनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। बेसिकली ये दो कैटेगरीज में होता है, एक नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विनर्स को एक ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड दिया जाता है। अमाउंट है 25 लाख का। तो अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि योगा दिवस में जो योगा अवार्ड्स है, प्रधानमंत्री योगा अवार्ड्स, पीएम योगा अवार्ड्स, तो इसका अमाउंट कितना है, ये है 25 लाख रुपए। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रश्न दोस्तों आपके लाइफ में बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इनको देख लें और वैसे योग करें और स्वस्थ रहें, यही मेरा मैसेज आप सभी के लिए। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन थी योगा दिवस के बारे में। आप सभी को इसके बारे में आई होप ये पॉइंट समझ में आए होंगे और कुछ नई चीज़ें यहाँ से पता चली होंगी। कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पर दी हैं, लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। साथ में ट्विटर, फेसबुक पर हमें फॉलो कर लें
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बताएं। थैंक यू, आप सभी स्वस्थ रहें, धन्यवाद।